अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, उस क्वेश्चन का नाम है हैरी पॉटर एज अ फैंटेसी नॉवल। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल टाइम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, व्हाट इज़ फैंटेसी नॉवल। फैंटेसी नॉवल है क्या? फैंटेसी नॉवल जो है ये ऐसी बुक होती है जिसके अंदर अनरियलिस्टिक सेटिंग्स होती हैं या फिर मैजिक होता है, और इसी के साथ साथ इसकी फॉर्म्स में, इसके प्लॉट के अंदर, थीम के अंदर, सेटिंग के अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं या मिथिकल बीइंग्स भी प्रेजेंट होती हैं। और जो मैजिक है, मैजिक एसेंशियल पार्ट है फैंटेसी नॉवल का। अगर मैजिक ना हो तो नॉवल फैंटेसी में नहीं कंसिडर किया जा सकता। तो फैंटेसी नॉवल के लिए मैजिक का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो मैजिक है, हम इसको सेटिंग में भी देख सकते हैं या फिर प्लॉट में देख सकते हैं। इसके अलावा जो करेक्टर्स हैं वो भी मैजिक की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है। आवरा कडावरा, ये एक मैजिक है, मैजिकल स्पेल है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स की, एलिमेंट्स ऑफ फैंटेसी नॉवल। तो स्क्रीन के ऊपर आपको जो भी नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे और इनको अप्लाई करेंगे हम लोग हैरी पॉटर के ऊपर भी। अब जो सेटिंग है इसकी, वो डिस्टेंट टाइम एंड प्लेस शो की जाती है सेटिंग के अंदर, जो फैंटेसी नॉवल होते हैं उनके अंदर। डिस्टेंट टाइम एंड प्लेस से क्या मुराद है? इससे मुराद है कि हमारे पास अननोन प्लेसेस आती हैं, ऐसी प्लेसेस जिनको हमने नहीं देखा, ना हमारे पास कोई एग्जैक्ट टाइम आता है इसके अंदर। तो जो सेटिंग होती है इसके अंदर वो कैसी होती है? डिस्टेंट टाइम एंड प्लेस, इसको हम रिमोट सेटिंग भी कह सकते हैं, ठीक हो गया। करैक्टर्स कैसे होते हैं? जो करैक्टर्स होते हैं उनके पास मैजिकल पावर होती है, ठीक है। और उसके अलावा जो प्लॉट होता है उसके अंदर फाइट दिखाई जाती है गुड एंड एविल की। और इसके अलावा हमारे पास जो क्रिएचर्स होती हैं वो इमेजिनरी क्रिएचर्स बहुत ज़्यादा होती हैं फैंटेसी नॉवल के अंदर। इमेजिनरी क्रिएचर्स के अंदर हमारे पास सुपर नेचुरल क्रिएचर्स भी आ जाती हैं। सुपर नेचुरल क्रिएचर्स जो कि रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट है इन अ सुपर नेचुरल वे। जैसे कि यूनिकॉर्न एग्जिस्ट नहीं करता रियलिटी में, लेकिन हमारे पास नॉवल में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स ह्यूमन बींग की तरह एक्ट करते हैं, ठीक है, इंसानों की तरह एक्ट करते हैं, लाइक बोलना, चलना, ठीक है। तो ये इंसानों की तरह एक्ट करते हैं फैंटेसी नॉवल के अंदर। जो थिंग्स होती हैं, यानी कि चीज़ें होती हैं ना, उनको ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट होते हैं वो लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है, जो करेक्टर्स हैं वो रियलिस्टिकली बिहेव करते हैं इसके अंदर, ठीक है। यूज़ तो वो मैजिक कर रहे हैं, रह भी वो मैजिकल वर्ल्ड में रहे हैं, लेकिन उनका जो बिहेवियर होता है वो रियलिस्टिकली होता है। और इसके अलावा जो स्टोरीज़ हैं, इनके अंदर कोई ना कोई लेसन जो है वो ज़रूर मिलता है, और वो जो लेसन है वो रियल लाइफ के ऊपर अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। और थीम जो होता है इसका, मैंने वो बताया आपको पहले भी कि प्लॉट गुड वर्सेस इविल की बात कर रहा होता है, तो थीम भी इसका गुड वर्सेस इविल की ही बात करता है। तो दीज ऑल आर द एलिमेंट्स ऑफ द फैंटेसी नॉवल। मुझे लगता है कि आपको एलिमेंट्स की समझ लग गई होगी। अब हम इन एलिमेंट्स को वन बाय वन हैरी पॉटर सीरीज के ऊपर अप्लाई करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हैरी पॉटर एज अ फैंटेसी नॉवल। जैसे कि मैंने बताया, पहला एलिमेंट डिस्टेंट टाइम एंड प्लेस। तो इसके अंदर हमारे पास ऐसी प्लेसेस आई हैं जिनको मैंने पहले नहीं देखा, जैसा कि पहले डायगन अले। ये डायगन अले जो है ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जो है ये एक अननोन वर्ल्ड है, अननोन प्लेस है हमारे लिए, तो ये डिस्टेंट टाइम एंड प्लेस हो गया। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक, ठीक है, ग्रिंगोट विजिटिंग बैंक, ठीक है, और श्राइकिंग शैक, और उसके बाद जो है 12 ग्रिमोल्ड प्लेस, ये वाली। और इन प्लेसेस के अलावा भी बहुत सी प्लेसेस हैं, जैसा कि द बोरो, गोड्रिक्स होलो, लिटिल हैंगल्टन, लिटिल विंगिंग, ठीक है, मैलफॉय मैनर। ये जो चीज़ें हैं ना, ये प्लेसेस हैं, ये रियलिटी में तो एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये अननोन है हमारे लिए, बट ये सेटिंग है इस नॉवल की, और ये सेटिंग प्रूफ कर रही है इसको एज अ फैंटेसी नॉवल। फैंटेसी नॉवल का एक एलिमेंट हमने देख लिया हैरी पॉटर की सीरीज के अंदर। अब नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं, जैसा कि करेक्टर्स हैव मैजिकल पावर्स। तो हमने देखा इसके अंदर प्रोफेसर स्नेप हो, डंबलडोर हो, वोल्डेमॉर्ट हो, हैरी पॉटर हो, हरमाइनी हो,
रॉन वीजली हो और मिस्टर एंड मिसेस वीजली हो, सबके सब के पास मैजिकल पावर्स हैं, ठीक है। तो जो इनके मेन करेक्टर्स हैं उनके पास क्या है, मैजिकल पावर्स। और जैसा कि एलिमेंट है फैंटेसी नोवेल का कि जो करेक्टर्स होते हैं उनके पास मैजिकल पावर्स होती हैं, तो ये पॉइंट भी प्रूव कर रहा है कि हाँ हैरी पॉटर एक फैंटेसी नोवेल है। जैसा कि एक क्रिटिक कहते हैं, मैजिक इज डिपिक्टेड एज अ सुपर नेचुरल फोर्स दैट कैन बी यूज टू ओवरराइड द यूजुअल लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। ये किसके बारे में कहा, ये हैरी पॉटर सीरीज के बारे में कहा एक क्रिटिक ने। इसी के साथ क्रिटिक ने कहा, मैनी फिक्शनल मैजिकल क्रिएचर एग्जिस्ट इन द सीरीज व्हाइल ऑर्डिनरी क्रिएचर्स आल्सो समटाइम्स एग्जिबिट मैजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, वो है द प्लॉट इज अ फाइट बिटवीन गुड एंड एविल। थ्रू आउट द सीरीज हमने देखा पार्ट वन से लेके लास्ट पार्ट तक फाइट हो रही है गुड एंड एविल की, हैरी पॉटर, डंबलडोर, प्रोफेसर मैकगनगल, प्रोफेसर स्नेप, हरमाइनी, रॉन वीजली और दूसरे गुड करेक्टर फाइट कर रहे हैं अगेंस्ट वोल्डेमॉर्ट के, ठीक है। प्रोफेसर डंबलडोर ने अपनी एक आर्मी बनाई है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स। जो ऑर्डर ऑफ द फिनिक्स है उनका पर्पस क्या है, उनका पर्पस यही है कि जो वोल्डेमॉर्ट है उसको ख़त्म कर देना, बुराई को मिटा देना। एंड थ्रू जब तक हमारे पास लास्ट पार्ट नहीं आ जाता तब तक हम देखते हैं कि वोल्डेमॉर्ट की डेथ नहीं होती। और वोल्डेमॉर्ट की डेथ कब होती है, जब ये सारे के सारे उसके हॉरक्रक्सेस ख़त्म कर देते हैं। जब ये हॉरक्रक्सेस ख़त्म कर देते हैं तब वोल्डेमॉर्ट की डेथ हो जाती है एंड फाइनली एंड पे एविल ख़त्म हो जाता है। कुछ भी कर लो जीत हमेशा सच्चाई की होती है, तो कुछ भी कर लो यहाँ पे गुड जीतता है और एविल हार जाता है। और इसमें जब हैरी की और वोल्डेमॉर्ट की फाइट होती है तो हैरी रिप्रेजेंट करता है लव, होप, फ्रेंडशिप को, और वोल्डेमॉर्ट रिप्रेजेंट करता है हेटर्ड, ग्रीड एंड इनटॉलरेंस को। तो ये जो एलिमेंट है के फाइट बिटवीन गुड एंड एविल, ये एलिमेंट भी प्रेजेंट है इस नॉवल के अंदर। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं, वो है इमेजिनरी क्रिएचर्स। तो जी बिल्कुल, इस नॉवल के अंदर बहुत ज़्यादा इमेजिनरी क्रिएचर्स प्रेजेंट हैं। फॉर एग्जांपल, एक इमेजिनरी क्रिएचर जो हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे शो किया जा रहा है वो है डोबी, ठीक है। डोबी जो है ये इंडिकेट कर रहा है स्लेव्स को, ठीक है, ऐसे स्लेव्स जो कि विजिट्स के घर में काम करते हैं और इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। और ये सिंबल भी है किसका, रिवोल्ट का। क्यों, क्योंकि ये रिवोल्ट चाहता है किससे, बाउंड्री से, शक्ल से, जो कि जो मालिक है उन्होंने क्रिएट कर रखी है स्लेव्स के अगेंस्ट, ठीक है। तो बेसिकली हम अभी बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी क्रिएचर्स की। तो उन इमेजिनरी क्रिएचर में एक हमारे पास आता है डोबी, ठीक है, एक आता है हिप्पोग्रीफ। ये हिप्पोग्रीफ, ठीक है, हिप्पोग्रीफ जो है ये ऐसी लेजेंडरी क्रिएचर है जिसका फ्रंट हाफ जो है वो एक ईगल की तरह का है और जो बैक हाफ है वो हॉर्स की तरह का है। नेक्स्ट इमेजिनरी क्रिएचर है हमारे पास, वो है फोनिक्स की। फोनिक्स जो है ये एक बर्ड है जो साइक्लिकली रिजनरेट करती है खुद को या फिर दोबारा पैदा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है ट्रोल, ये भी एक इमेजिनरी क्रिएचर है। फिर हमारे पास आता है यूनिकॉर्न, ठीक है, ये भी इमेजिनरी क्रिएचर है। फिर हमारे पास आता है सेंटोर। सेंटोर जो है ये हाफ मैन और हाफ हॉर्स होता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से इमेजिनरी क्रिएचर का एलिमेंट भी सेटिस्फाई हो गया हमारे पास हैरी पॉटर सीरीज के अंदर। अब नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते, वो है एनिमल्स एक्ट लाइक ह्यूमंस। हमने फॉक्स को देखा, ठीक है, सॉरी फिनिक्स को देखा। जो फिनिक्स है ना, क्या करती है, हैरी पॉटर की हेल्प के लिए आती है, ठीक है। जब हैरी पॉटर बेसिलिक से फाइट कर रहा होता है, स्नेक से, तो तब ये आती है फाइट के लिए, ठीक है, और हेल्प करती है हैरी पॉटर की। तो एक्ट करती है किस तरह से, एक्ट करती है ह्यूमन की तरह, क्योंकि ह्यूमन के पास फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, ठीक है। हमने देखा इसके अंदर एक स्पाइडर है, जो स्पाइडर है हमने उसको देखा, स्पाइडर ह्यूमन की तरह बोल रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर जो हिप्पोग्रिफ है उसको, हिप्पोग्रिफ अगेन ह्यूमन की तरह चल रहा है, ठीक है। तो इसमें जो एनिमल्स है ना वो एक्ट लाइक ह्यूमंस करते हैं, चलते हैं उनकी तरह बात करते हैं, ठीक हो गया। तो ये भी एलिमेंट सेटिस्फाई हो गया हमारा हैरी पॉटर सीरीज के अंदर। नेक्स्ट बात वो ये है कि थिंग्स विद ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, इसमें जो चीज़ें हैं, जो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको ह्यूमन के करेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, जैसा कि सॉर्टिंग हैट। अब हैट है ये लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह काम करती है,
हैड जो है लिविंग ऑब्जेक्ट की तरह बातें करती है, ठीक है। उसके बाद वैंड, मैजिक वैंड किस तरह से ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स दिया जा रहा है, जो मैजिक वैंड सेल करता है पर्सन जिसका नाम ओलिवेंडर है, वो कहता है कि वैंड अपना मालिक खुद चूज करती है, ठीक है, और खुद से चूज करना ये ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है, ना के ऑब्जेक्ट्स की, ना के थिंग्स की, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहता है वैंड अपना मालिक खुद चूज करती है, और जो हैरी की वैंड है उसने उसको चूज किया, वैंड ने खुद हैरी को, तो वो उसने भी कहा था गुड गुड को चूज करती है, इविल इविल को चूज करती है। तो जो इविल वैंड थी उसने वोल्डेमॉर्ट को चूज किया था, गुड वैंड ने हैरी को चूज किया था, ठीक हो गया। उसके बाद फ्लाइंग कार, ये भी कार जो है ना ये एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी कार को क्या ट्रेड दे दिया गया, कार को लिविंग ट्रेड दे दिया गया ये कहकर कि ये फ्लाइंग है, उड़ रही है, ठीक हो गया। तो थिंग्स विद ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, इसका इस बात का मतलब ये है कि जो नॉन लिविंग है उनको लिविंग की क्वालिटी दे देना, ठीक हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है करेक्टर्स बिहेव रियलिस्टिकली। अब देखें जैसे हैरी पॉटर एक विजर्ड है, हैरी पॉटर की मदर विच थी, ठीक है, और जो है डंबलडोर एक विजर्ड है, ये सारे के सारे विजर्ड और विच हैं, लेकिन इनका बिहेवियर क्या है, नॉर्मल दिखाया गया है, ह्यूमन बींग्स की तरह रियलिस्टिकली बिहेव कर रहे हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट मैंने बताया था लेसन्स इन द स्टोरीज दैट अप्लाई टू रियल लाइफ, और इनमें ऐसे लेसन्स दिए गए हैं वो रियल लाइफ पे भी अप्लाई होते हैं, जैसा कि हमारे पास मार्क्सिज्म का लेसन आ जाता है इसके अंदर से, और गुड वर्सेस इविल का लेसन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है और ये हर लाइफ पे अप्लाई हो सकता है। इंपॉर्टेंट थीम गुड वर्सेस इविल, और ये थीम ना हो तो फैंटेसी नॉवल हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो गुड वर्सेस इविल का थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने अभी पहले डिटेल से डिस्कस किया है जब मैंने प्लॉट की बात की थी। तो ये सारे के सारे एलिमेंट हम देख रहे हैं कि हैरी पॉटर के अंदर मौजूद हैं। तो इस बेस पे हम लोग कह सकते हैं टू सम अप द लॉन्ग डिस्कशन, इट इज एविडेंट दैट हैरी पॉटर सीरीज मीट द क्राइटेरिया ऑफ बीइंग अ फैंटेसी, सो इट कैन राइटली बी क्लेम दैट हैरी पॉटर इज अ फैंटेसी। Thank you so much for watching this video. Please like, comment, share and subscribe. And if you have any queries and question, you may ask in the comments. मैं आपको आंसर जरूर दूंगी। आपको समझ नहीं आया तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, फिर समझ नहीं आया तो क्वेश्चन जरूर करिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर करूंगी। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखिएगा।